हेलो गाइस, दिस इज मी दिव्यांशु झा। और आज मैं कोई टेक वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। एक्चुअली आज मैं व्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ, जर्नी टू द KTM। तो लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला जर्नी है और एक्चुअली मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो करीब 9 महीने बाद मैं KTM जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब माँ बाप के साथ टाइम भी गुजारा तो थोड़ा मतलब दुख तो होता ही है घर से दूर जाना, और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं जर्नी कैसा होता है, वैसे फटने वाली है अच्छे से, तो चलिए देखते हैं। काठमांडू पहुंचने में अभी भी अराउंड 6 घंटे बाकी है। तो खाना वाना मैंने ले लिया है, और यहाँ पे शूट करना थोड़ा अजीब है, पीछे से एक्चुअली लड़कियाँ देख रही है। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं, गाड़ी में भी मतलब देखा जाएगा। तो रखते हैं अभी। गाइस, अभी हमें खाना खाने के लिए रोका गया है, और दोस्तों हमने एटलीस्ट आधा रास्ता पार कर लिया है, अभी आधा और तय करना बाकी है। और अभी जहाँ पे मैं रुका हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मिनट, मैं अभी यहाँ पे हूँ। इस जगह पे लिटरली मैं भी कभी नहीं आया था। एक्चुअली मैं यहाँ पे रुका था पर इतने नीचे नहीं आया था। मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ, रुके मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ, आप भी आइए मेरे साथ।
आ चुके हैं अपने रूम पे और मेरे रूम का हाल कुछ ऐसा है, देखिए एक बार। तो आते आते बहुत ही टाइम लग गया, शाम भी हो गया और यहाँ का टेम्परेचर भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं है, अभी 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी मुझे फटाफट से कपड़ा पहनना पड़ेगा और ये तो मतलब बहुत ही कम मैंने पहना है और लॉकडाउन के बाद मैं दूसरा बंदा हूँ जो इस रूम में आया है और देखते हैं और आगे आगे क्या होता है। मेरा अभी एक दोस्त भी है, वो एक्चुअली यहाँ पे पढ़ रहा था, तो वो एक्चुअली छुट्टी लेके गया, छुट्टी नहीं लेके आया, थोड़ा ब्रेक उसने लिया है, बाहर गया है वो, अभी वो आता ही होगा। और देखते हैं, अभी खाना भी कुछ नहीं खाया है, टोटल मतलब 3 किलोमीटर का रास्ता था, चलते चलते आया। और एक्चुअली मैं ट्रैफिक ले सकता था पर वहाँ पे मतलब ट्रैफिक देखा, बहुत ही भीड़ था, तो सोचा चलो चलते चलते ही आ जाते हैं। और मतलब 3 किलोमीटर सुनने में उतना अच्छा तो नहीं होता पर अगर आपको हैवी बैग हो और मतलब थके हुए हो पहले से ही, तो मतलब वो 3 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर के जितना रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों पर उससे पहले एक चीज़, लॉकडाउन के बाद मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, वैसे मैं पहले भी जब पहली बार काठमांडू गया तो मुझे उतना ज़्यादा तकलीफ कुछ नहीं हो रहा था, पर इस बार थोड़ा सा फील तो हो रहा है क्योंकि, तो दोस्तों हम एक्चुअली अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि हम अपने माँ बाप को भी टाइम नहीं दे रहे। तो यार मेरी सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को ज़्यादा हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके टाइम दो, क्योंकि पता नहीं कब क्या सिचुएशन आ पड़े, आपको कब उनसे दूर होना पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ट्राई था ब्लॉग, ऑब्वियसली उतना खास कुछ तो बन नहीं सका और मैं एक्चुअली रास्ता का रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था आते आते और अभी भी मतलब अंधेरा ही है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए गुड बाय।